अपने निवास पर विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष पर माननीय संसदीय राज्य मंत्री और भारत सरकार के भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी ने अपने घर पर वृक्षारोपण किया। वहां मौजूद भारी संख्या में उनका अभिवादन करने वाले बीकानेर तथा देश के प्रदेशों से आए हुए लोगों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि हम पेड़ पौधों को बचाएं और स्वस्थ हवा में जी सकें। उन्होंने बताया कि वह भारी उद्योग मंत्रालय में हैं, फिर भी वह कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने नहीं देते हैं। और पेरिस समझौते में जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को बचाने का जो संकल्प हरियाली को बचा कर लिया है, उसकी भरपूर रक्षा करेंगे। दिल्ली से डॉक्टर राम की रिपोर्ट, आज की आवाज़। सर, आज पर्यावरण दिवस है सर, इस पर आप विश्व पर्यावरण दिवस है, इस पर सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी नागरिकों को काम करना चाहिए, जिससे भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिले और ये जो कार्बन एमिशन का जो एक खतरा आ रहा है बढ़ने का, उसमें भी कमी आएगी तो धुआं रहित जीवन भावी पीढ़ी को मिल सके, यही बड़ा संदेश है। इसलिए सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए डेली। कोई आज विश्व पर्यावरण दिवस है, आज करें, ऐसा नहीं। पेड़ों की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, साइकिलिंग करना, ऐसे काम करना जिससे कार्बन एमिशन कम हो सके, ऐसे हैबिट में आना चाहिए उनके काम। सर, आप भारतीय सर सरकार में सर भारी उद्योग राज्य मंत्री हैं सर, और आप साइकिल से आते हैं सर, इससे क्या संवाद देना चाहते हैं सर आप पूरे जनता को, भारत की जनता को? ये पर्यावरण संरक्षण का ही एक हिस्सा है कि हम हमारे यंगर जनरेशन को धुआं रहित जीवन दे सकें। हमारे पुरखों ने धुआं रहित जीवन दिया, तभी तो हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, और अगर धुआं ज्यादा हो जाएगा तो हम यंगर जनरेशन को क्या देना चाहेंगे। इसलिए क्लाइमेट चेंज का विषय चलता है, कार्बन एमिशन कम करने का विषय चलता है, और पेरिस में भी जो एग्रीमेंट हुआ कार्बन एमिशन कम करने का, उसके लिए भी भारत सरकार काम कर रही है, और हम सब लोग लगे हुए हैं, आप भी लगे हो उसके साथ। धन्यवाद सर।